वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले स्पोर्ट्स करंट अफेयर लास्ट थ्री मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर है उनको डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत सारे आगे चल के एग्जाम होने वाला है, जैसे सीजीएल का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और भी बहुत सारे सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम होने वाले हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आगे चल के आप देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। करंट अफेयर हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश बीट तमिलनाडु बाय 11 रन इन फाइनल टू विन देयर मेडन विजय हजारे ट्रॉफी। बहुत बार क्वेश्चन बना है विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखना क्रिकेट से रिलेटेड है। इस बार जो है बेसिकली 2021 का जो है फाइनल, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल जो हुआ था लास्ट में होता है 2021 का, तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तमिलनाडु को इन्होंने हराया है। इंडिया लिफ्टेड अंडर 19 एशिया कप बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय 9 विकेट। अगेन क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया ने किन्हें हराकर बेसिकली अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीता है, तो श्रीलंका को हराकर बना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आजकल जो है ट्विस्ट भी किया जाता है, तो किन्हें हराकर बना है चैंपियन अंडर 19 एशिया कप का, तो ये भी ध्यान रखना है श्रीलंका को इन्होंने हराया है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 वन बाय नोदिर बेग एब्दस सातरोप। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा भले ही टफ हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना बन सकता है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 इनके द्वारा जीता गया है। राफेल नाडल विन 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट। 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जो जीता गया है ये राफेल नाडल के द्वारा जीता गया है। आजाद पटेल हैज वन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 का बेसिकली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया है ये आजाद पटेल को दिया गया है। टाटा ग्रुप रिप्लेस वीवो एज टाइटल आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर। तो आईपीएल के जो इस बार स्पॉन्सर रहेंगे ये टाटा ग्रुप रहेंगे, ठीक है, टाटा ग्रुप इस बार ये इसके स्पॉन्सर रहेंगे। पहले इसका वीवो जो है ये हुआ करता था टाइटल स्पॉन्सर, इससे पहले देखे तो पेप्सी डीएलएफ ये पहले रह चुके हैं, लेकिन इस बार का अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप जो है इन्होंने रिप्लेस किया है वीवो को और ये जो है अब टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे। लक्ष्य सेन हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लो किया वी ऑफ सिंगापुर टू सिक्योर हिज मेडन सुपर 500 टाइटल। बैडमिंटन से रिलेटेड है सुपर 500 टाइटल और लक्ष्य सेन जो इंडिया के हैं इन्होंने हराया है वर्ल्ड चैंपियन लो केएन यू को, इन्होंने हराया है फाइनल में। तस्नीम मीर बिकम फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर वन इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अगर पूछा जाए अंडर 19 में रैंक वन कौन से इंडियन बैडमिंटन जो है यहाँ पे रैकेट प्लेयर बनी है, तो ये बनी है तस्नीम मीर, ये बनी है। सविता पुनिया नेम्ड कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम के जो नए कैप्टन बनाए गए हैं ये सविता पुनिया को बनाए गए हैं, पहले ये गोलकीपर हुआ करती थी, अब जो है इन्हें कैप्टन बनाया गया है। इंडिया टू होस्ट एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2022। तो इंडिया बेसिकली से जो है होस्ट करने वाला एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022, शायद इसे होस्ट किया जा चुका है, इसके बारे में आगे भी हम देखेंगे, अगर कोई करंट अफेयर है तो डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये कि एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 ये इंडिया में ही होस्ट किया जाने वाला है। पीवी सिंधु हैज बैक्ड द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन लखनऊ। अगेन ये ध्यान रखना सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो लखनऊ में हुआ था, तो पीवी सिंधु इसके जो है वुमेन सिंगल में ये विनर रहे। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च इन लखनऊ। तो इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है ये कहाँ पे खुला है, लखनऊ में खुला है। लद्दाख टीम विंस 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। तो इस बार का जो बेसिकली वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज किया गया था इसे जो है लद्दाख टीम ने जीता है। वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2022 इंडिया बीट चाइना टू विन ब्रॉन्ज। तो वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2022 में अगर हम देखें तो इंडिया जो है कौन सा इंडिया को मेडल मिला है, ब्रॉन्ज, यानी कि थर्ड रैंकिंग रहा। किसे इन्होंने हराया है ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए, चाइना को इन्होंने हराया है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसे हरा कर जो है चैंपियन बना है, ये सब क्वेश्चन बनता है। राफेल नाडल हैज डिफीटेड डेनिल मेंडीव टू विन मेन्स सिंगल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन्स सिंगल, वुमेन सिंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन्स सिंगल में जो है राफेल नाडल ये विनर रहे, डेनिल मेंडीव को इन्होंने हराया है, ये जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। एसले बार्टी डिफीटेड डेनिल कॉलिन्स टू विन वुमेन्स सिंगल टेनिस टाइटल 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगेन वुमेन सिंगल में अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो एसले बार्टी इन्होंने जो है जीता है। अर्जेंटीना डिफीट चिली टू विन 6th वुमेन फील्ड हॉकी चैंपियनशिप टाइटल एट 2022 वुमेन्स पैन अमेरिका कप। तो ये ध्यान रखना अर्जेंटीना ने जीता है इसे, चिली को इन्होंने हराया है, और कौन सा बेसिकली ये चैंपियनशिप था, वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप टाइटल 2022 का इन्होंने जो है जीता है। किन्होंने, कौन सा टीम ने, अर्जेंटीना ने। पियर्स रिजेस विंस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ये ध्यान रखना, पीएफ सीरीज जो है ये साउथ इंडिया से है, कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। पीएफ सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्पोर्ट्स पर्सनलिटी है, तो इनको जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। कौन से स्पोर्ट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जितने स्टूडेंट जानते हैं, जितने स्टूडेंट नहीं जानते हैं जरूर एक बार रिसर्च भी कर लेना इंटरनेट में, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन है बना है। चेन्नई सुपर किंग बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज, तो चेन्नई सुपर किंग जो बेसिकली है ये इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बना है। इंडिया बीट इंग्लैंड इन फाइनल टू विन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप है क्वेश्चन बन सकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया ने जीता है, फाइनल में किसे हराया है, इंग्लैंड को इन्होंने हराया है। चाइना पीआर बेसिकली चाइना पीपल रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म है, डिफीटेड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को इन्होंने हराया 3-2 से, ये ध्यान रखना, एट एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 फाइनल टाइटल। तो एएफसी वुमेन्स एशिया कप जो 2022 का है इंडिया में होस्ट होने वाला था, हमने बात किया था, तो इंडिया में होस्ट किया गया था फाइनली, शायद अहमदाबाद में किया गया था, और यहाँ पे चाइना जो है चाइना इसका विनर रही, साउथ कोरिया को इन्होंने फाइनल में हराया है। स्नेगल हैज डिफीटेड इजिप्ट इन अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप, फुटबॉल से रिलेटेड है ये, अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, स्नेगल ने इसे जीता है, इजिप्ट को इन्होंने फाइनल में हराया है। ऋषभ पंत वन ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021, अगेन ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ESPN के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, तो ESPN क्रिक इन्फो जो है बेस्ट बैटिंग अवार्ड जो दिया गया है ये ऋषभ पंत को दिया गया है। कीगन पीटरसन एंड हीथन नाइट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2022, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो है हर मंथ जो है दिया जाता है ICC मंथ ऑफ द जो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द जो है प्लेयर दिया जाता है क्रिकेट में, तो कीगन पीटरसन को मेंस में मिला है और हीथन नाइट को बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स में मिला है। चेस्ला हैज डिफीटेड पैलमियरस बाय 2-1 टू विन 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चेस्ला ने इसे जीता है, कौन से क्लब ने जीता है ये बेसिकली पूछा जा सकता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जो है बेसिकली यहाँ पे देखे तो चेस्ला ने यहाँ पे जीता है, इन्होंने जो है पैलमीरस को बेसिकली हराया, तो कौन से क्लब ने जीता है ये पूछा जा सकता है, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो ये चेस्ला ने जीता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए 2022 का सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, लास्ट थ्री मंथ का करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाएंगे कोई भी कम्पिटिव एग्जाम में नहीं होगा, 2021 का करंट अफेयर डिटेल में पढ़ना ही है, और कम से कम टाइम में आपको 2021 का करंट अफेयर डिटेल में अच्छा से पढ़ना है, तो इसके लिए हमने ये बुकलेट बनाया है। किस तरह डिजाइन किया है पहले देख लें, फिर बताया जाएगा लेना कैसा है। जितने भी अलग अलग सेक्शन है, जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं 2021 में, उसका अलग से सेक्शन बना दिया है, अलग अलग जो रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्स में उसका अलग से सेक्शन, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का अलग से सेक्शन, जितने इंटरनेशनल करंट अफेयर है 2021 का अलग से उसका सेक्शन बना दिया गया है, बुक्स एंड ऑथर्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर है, जितने भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुए हैं उनके थीम्स सब मेंशन किया गया है, साथ में मिसलेनियस करंट अफेयर, मिसलेनियस करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें, मिसलेनियस करंट अफेयर है, स्टेट करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको इसमें डाल दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कम से कम टाइम में अगर आपको 2021 का करंट अफेयर बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना है तो ये बुकलेट आपके लिए बनाया गया है, और इतना भी नहीं इसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिया गया है, ये सब ब्रांड एम्बेसडर 2021 जहाँ से क्वेश्चन बनता है, GI Tech 2021, COVID-19 के जितने भी वेरियंट्स हैं, जब से COVID-19 पाया गया है उसके बाद जितने भी इसके वेरियंट्स अभी तक पाए गए हैं सबको मेंशन किया है, ये जो है एक्स्ट्रा हमने दिया है आपके। उसके बाद फॉरेन सिविलियन अवार्ड जो पीएम मोदी को दिया गया है, सिंस ही बिकेम पीएम इन 2014, उसके बाद जितने भी फॉरेन सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 इनको कवर अप किया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कम से कम टाइम में अगर आपको लेना है, अगर बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, SSC का कोई भी SSC का एग्जाम आगे चल के आप देने वाले हैं, कोई भी रेलवे का एग्जाम देने वाला है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम अगर देने वाले हैं, NTPC CV2 एक एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे SSC वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ले कैसे सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही आप ₹85 पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, कम से कम टाइम में अगर 2021 का करंट अफेयर अच्छा से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमने आपको अच्छा से बुकलेट बना के दे दिया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को अरेंज करके दे दिया है, इस तरह टॉपिक वाइज सब कुछ अरेंज करके दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बिल्कुल बुकलेट आप ले सकते हैं, आगे चल के कोई भी कंप्यूटर आप एग्जाम देने वाले हैं, खास करके रेलवे और SSC वाले स्टूडेंट, ₹85 बहुत लो कॉस्ट में रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसे ले सके और अच्छा से जो है 2021 का करंट अफेयर प्रिपेयर कर सके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, आपको जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो 35 टॉपिक्स है ना, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, ये जो 35 टॉपिक्स है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2021,
ये अगर छोड़ देते हैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो आप इनकम्प्लीट रह जाएंगे। यहाँ पे पूरा इनको डिटेल में हमने जो है अच्छा से इनको जो है बनाया है आपके लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसे 75 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल करवाया है जनरल नॉलेज 221। इसका लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है। जैसे 75 रुपीज पे करते हैं उसके बाद सीधा अपना मेल आईडी पे जाना है, मेल आईडी से फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से प्रोसेस है, अलग अलग लेने से बेहतर है कि एक ही में ले लेना, थोड़ा डिस्काउंट भी 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। अलग अलग लेंगे तो 160 पड़ेगा, एक साथ लेंगे तो 150 में हो जाएगा। करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज 221 का बुकलेट 150 रुपीज़ में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 150 रुपीज़ पे करते हैं आपका मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक डिवाइस में सपोर्ट करती है। सिंपल पीडीएफ जैसे फाइल है, सिंपली इस फाइल को खरीदें और फटाफट जो है करंट अफेयर अच्छा से प्रिपेयर कर लें ताकि करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो। और 2022 का करंट अफेयर हम अच्छा से आपको पढ़ा ही रहे हैं। आगे चल के 2022 का जो 3 मंथ का जो करंट अफेयर है इसके ऊपर भी जल्द ही एक बुकलेट हम लाने वाले हैं बहुत लो कॉस्ट में ताकि उसे आप ले सके। तो चलिए, जिनमें भी लेना है चॉइस आपका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे चलते हैं और वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा मेन एंड केरला वुमेन्स टीम विन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22। तो ये जरूर ध्यान रखना, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप 2021-22 का हुआ था, इसमें अगर मेंस में पूछा है तो हरियाणा ने जीता है, वुमेन्स में पूछा जाए तो केरला ने जीता है। मुंबई टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन जो होने वाला है 2023 का, ये मुंबई में बेसिकली होने वाला है। इंडियाज आर प्रज्ञानंदा बिकम्स यंगेस्ट प्लेयर टू बीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जरूर ध्यान रखना। आर प्रज्ञानंदा जो हैं ये बहुत कम उम्र के हैं और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 जो है इन्हें हराया है, मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया है। भले ही ये ऑनलाइन था, फिजिकल नहीं था, ऑनलाइन था, इसमें इन्होंने हराया है। स्पिन्स कार्लोस अल्काराज क्रिएट्स हिस्ट्री बिकम्स द यंगेस्ट ATP 500 विनर, ये जो है टेनिस से रिलेटेड है और स्पेन के कार्लोस अल्काराज जो है इन्होंने जीता है। मीराबाई चानू विंस गोल्ड एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू, इन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था और इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है इस बार सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। राफेल नडल बीट कैमरून नोरी टू विन मैक्सिकन ओपन 2022, अगेन मैक्सिकन ओपन 2022 टेनिस से रिलेटेड है, राफेल नडल ने इसे जीता है और इन्होंने किन्हें हराया है, कैमरून नोरी को इन्होंने हराया है। लद्दाख स्काउट्स वन 5th CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, अगेन मेंस आइस हॉकी अगर पूछा जाए चैंपियनशिप 2022, लद्दाख, अगेन लद्दाख स्काउट्स ने इसे जीता है। पूजा जतियान बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर एट पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। पूजा जतियान जो है ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने जो है पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन वियतनाम फ्रॉम May 12 to 23, 2022। तो ये ध्यान रखना, 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो होने वाला है, इस बार का जो साउथ ईस्ट एशियन गेम होने वाला है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दबंग दिल्ली डिफीटेड पटना पायरेट्स बाय 36-37 इन फाइनल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 इन बैंगलोर कर्नाटका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इस बार का जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था सीजन 8 था ये, किस विनर कौन रहे, तो दबंग दिल्ली, किन्हें हरा कर ये विनर रहे, तो ये पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया है। इंडियन शूटर सौरभ चौधरी विंस 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप। तो अगेन सौरभ चौधरी जो है ये आपको पता है ये जो है शूटर है और इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन ISSF वर्ल्ड कप। मिथाली राज बिकम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपियर एट 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इस बार भी जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप करेंटली चल रहा है, तो मिथाली राज जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बने हैं जिनका 6 अलग अलग जो है वर्ल्ड कप में इनका अपीयरेंस रहा है। BCCI named Rupe as official partner of Tata IPL. Again, देखिए टाइटल स्पॉन्सर जो है ये हमने अभी डिस्कस किया था कि टाटा जो है ग्रुप ये टाइटल स्पॉन्सर हैं। अब BCCI ने जो है रुपे को जो है ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे जो है टाटा IPL का ये डिस्क्लोज किया है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रियंका नुतकी बिकम्स 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अगेन प्रियंका नुतकी जो है ये 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। SL नारायण विंस ग्रैंड डिस सच्ची कैथोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये जो है चेस टूर्नामेंट का नाम याद रखना है, इसे जो जीते हैं SL नारायण ने जीते हैं। इंडिया हैज टेकन फर्स्ट प्लेस विथ 4 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज इन मेडल स्टैंडिंग एट ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन कायरो। तो ये जो है ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बार ISSF वर्ल्ड कप 2022 शूटिंग जो वर्ल्ड कप बेसिकली हुआ था
ये जो है कायरो में हुआ था और इंडिया का रैंक इसमें फर्स्ट था। 4 गोल्ड हमने जीता है इसमें, 2 सिल्वर रहा और 1 ब्रोंज इसमें रहा। टाइगर वुड फॉर्मली इंडक्टेड इनटू वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल, सॉरी गोल्फ हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में जो है टाइगर वुड को जो है इंडक्ट फाइनली कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी हैज बैंड द एथलीट एंट्रीज फ्रॉम रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी एंड नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बेलारूस फ्रॉम बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, फाइनली जो है यहाँ पे इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने बीजिंग 2022 विंटर पैरा ओलंपिक गेम जो हुआ था इसमें कौन से 2 टीम को इन्होंने बैन किया था। तो इन्होंने बेलारूस का जो पैरा ओलंपिक कमेटी है और साथ में रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी को जो है इन्होंने जो है एंट्रीज इनका जो है ये बैन कर दिया था। सुरेश रैना फैसिलिटेटेड विद स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड बाय मालदीव गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉरेन अवार्ड दिया गया है मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा, ये दिया गया है सुरेश रैना को, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड इन्हें दिया गया है। जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। दिल्ली बॉक्सर सतनाम सिंह विंस WBC इंडिया फीत विद टाइटल, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे जो है सतनाम सिंह जो है इन्होंने इसे जीता है। ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एट द एज ऑफ 25। तो ये जो है बहुत बड़ा शौक की तरह आया था अपने जो है, ये अगर हम देखें टेनिस में तो वुमेन्स में ये सबसे पीक में थी, वर्ल्ड नंबर 1 में थी और उसके बाद जो है इन्होंने अपना जो है रिटायरमेंट ये घोषित कर दिया। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, जरूर इसे भी जरूर ध्यान रखना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर है उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया। इसके साथ साथ जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो बुकलेट्स हैं इनको लेना मत भूलना अगर कम टाइम में आपको करंट अफेयर बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।